रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, मज़मून इस्लामियात, बाब नंबर दो यानी मानियात और इबादात, टॉपिक नंबर 10। और इसी मानियात और इबादात में से टॉपिक जो है वो है अकायद। आप लोग बुक्स ओपन कर लें। अकायद में से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 यानी मुख्तसर जवाबात ये करा चुकी हूँ। फिर उसके बाद जो है खाली जगह, ये ट्रिक MCQs, फिर उसके बाद जो है वो ट्रू फॉल्स, और लाइन लगाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। हकायद इस्लाम के नाम ज़बानी याद करके लिखिए, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स ये मैं कर चुकी हूँ। फिर है आज के टॉपिक में से है कि दर्जेज़ेल सवालात की जवाबात लिखिए। टॉपिक क्या है? दर्जेज़ेल सवालात की टॉपिक लिखिए। तो आप लोग सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1, अल्लाह ताला पर ईमान लाने का क्या मतलब है? अल्लाह ताला पर ईमान लाने का क्या मतलब है? अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि अल्लाह ताला एक है, वो ना किसी की औलाद है और ना किसी और ना उसकी कोई औलाद है। अल्लाह ताला ही हर चीज़ का खालिक और मालिक है, वो हर चीज़ पर कादिर है, कोई उसके बराबर नहीं है। फिर यहाँ पे ये मैंने डॉट लिखी, वो पाक है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आप दोबारा सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, अल्लाह ताला पर ईमान लाने का क्या मतलब है? अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि अल्लाह ताला एक है, वो ना किसी की औलाद है और ना किसी की ना उसकी कोई औलाद है। अल्लाह ताला ही हर चीज़ का खालिक और मालिक है, वो हर चीज़ पर कादिर है, कोई उसके बराबर नहीं है, वो पाक है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ठीक है, अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि अल्लाह ताला एक है, वो ना किसी के औलाद हैं और ना उसकी कोई औलाद है। अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक और मालिक है, वो हर चीज़ पर कादिर है, कोई उसके बराबर नहीं, वो हमेशा से है और वो पाक है, वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आसमानी किताबों पर ईमान लाने से क्या मुराद है? आसमानी किताबों पर ईमान लाने से क्या मुराद है? जवाब, इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने अपने रसूलों पर जो किताबें नाज़िल फरमाई हैं उन किताबों को आसमानी किताबें कहते हैं। अल्लाह ताला की नाज़िल करदा किताबों में से 4 किताबें हैं, 4 किताबें ज़्यादा मशहूर हैं। इन किताबों के नाम ये हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। ठीक है, अब यही क्वेश्चन दोबारा सुनिए कि आसमानी किताबों पर ईमान लाने से क्या मुराद है? इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने अपने रसूलों पर जो किताबें नाजिल फरमाई हैं उन किताबों को आसमानी किताबें कहते हैं। अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताबों में से 4 किताबें ज़्यादा मशहूर हैं। इन किताबों के नाम ये हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। दोबारा ये क्वेश्चन सुने, आसमानी किताबों पर ईमान लाने से क्या मुराद है? इंसानियों की हिदायत और रहनमाई के लिए अल्लाह ताला ने अपने रसूलों पर जो किताबें नाजिल फरमाई हैं उन किताबों को आसमानी किताबें कहते हैं। अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताबों में से 4 किताबें ज़्यादा मशहूर हैं। इन किताबों के नाम ये हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। ठीक है, यह है आज आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो क्लास 4 आप लोग क्या करोगे, रजिस्टर उठा के रजिस्टर में आप लोग इस्लामियात पोर्शन बना लें। पोर्शन बनाने के बाद
उसमें आप लोग वो जो इसमें कहते आप लोग साइड पे इस्लामियात लिख ले, इस्लामियात का फिर है बाप नंबर दो, ठीक है, बाप नंबर दो ईमानियात और इबादात पहले आप हेडिंग दोगे, फिर उसके बाद अनवान, फिर उसके बाद अनवान अकायद, ठीक है, प्रॉपरली मार्जिन लाइन लगाएं, प्रॉपरली डेट डालें, फिर उसके बाद आप लोगों का होगा दर्ज ज़ैल सवालात की जवाबात लिखिए, ठीक है। तो उसके बाद जो आप लोग क्या करोगे पेंसिल से, या आप लोग तो क्लास फोर में आई थिंक पेंसिल या सॉरी इंक पेन यूज़ करते हो, तो आज तो आपने ब्लैक मार्कर से या ब्लैक पेन से या ब्लैक पॉइंटर से क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन जो है हेडिंग जितने हैं वो आपने ब्लैक से, फिर आंसर जो है वो आप लोगों ने ब्लू कलर के पेन से लिखने हैं, ठीक है। आंसर आप लोगों ने ब्लू कलर की पेन से लिखनी है, कोई पॉइंटनर कोई बॉल पॉइंट वो आप लोग यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। क्लास ये है आज आपका लेक्चर, क्लास फोर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।